यस, मैंने बिल्कुल अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, वरना मैं ऐसा ऐसी थी नहीं कि मतलब नूर ऐसी है ही नहीं कि वो बैठ के डायरी लिखे या रीडिंग करे, किताबें बिल्कुल भी नहीं। अब पता नहीं मुझने एक पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? किताबें भी मैंने अभी ही पढ़ना शुरू की अच्छा, हैं अभी तो डायरी बस। में क्या टू डू लिस्ट होती है नो, फिर? कि इट्स एवरीडे रात को लिखते हो कि क्या गुजरा सारा रात को दिन? लिखती हूँ मोस्टली, और ये होता है कि हाउ आई फील एंड हाउ मच आई मिस मॉम एंड स्टफ लाइक दैट, यू मिस हर अ लॉट? अ लॉट। यू वर वेरी क्लोज टू हर. आई थिंक द ऑल ऑफ यू वर वेरी क्लोज टू हर, है ना? दैट आई फील कि तुम सारे बहुत अपनी मामा के करीब थे. नूर, आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट. आई नो लूजिंग अ पेरेंट इज डेवस्टेटिंग. आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट. एंड शी वॉज अ लवली वुमन, है ना? वॉट आई सी ऑफ यू गर्ल्स, इन यू आई सी हर. आई एक्चुअली सी हर इन यू, द वे यू लाव, द वे सारा लव्स. आई हैव नॉट मेट आयशा एंड योर ब्रदर, मगर मुझे आप दोनों बहनों में नजर आता है आपकी मामा. क्या क्या मिस करते हो सबसे ज्यादा? उनका इंतजार करना, घर पे बैठ के वेट कर रही है बच्चियां आएंगी. I'm sorry, any time. बट उन्होंने देखा ना तुम लोगों को अपना अपना काम करते हुए, स्टार बनते हुए. नो, आई अंडरस्टैंड दैट पेन. हर चीज ही मिस करती हूँ बिकॉज हम चारों में से सबसे ज्यादा मैं उनकी क्लोज थी शुरू से बचपन से बहुत ज़्यादा मैं उनकी क्लोज थी, और एक एक चीज़ उन्हें बताना, एक एक चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारा। आप ही भाई फिर भी ऐसे थे कि मतलब उनके जैसा कौन है आप लोगों में से? अम्मी से कौन मिलता है? देखने में हाँ, मैं ही मिलनी चाहिए, सब कहते हैं सारा लेकिन मुझे लगता है मैं और मामा, जब मामा की जो पुरानी पिक्चर्स हैं उसमें सब कहते हैं कि नूर, लेकिन अभी जो टाइम था तो फिर सब कहते हैं सारा की तरह ज़्यादा, लेकिन वो मेरी तरह, मुझे पता है तो हर चीज़ ही करती हूँ बिकॉज मैं उनसे इतनी ज़्यादा क्लोज थी, और एक एक चीज़ शेयर करना सारा आप ही भाई इनका था कि मामा के साथ हैं बट उनका अपनी एक स्पेस होती है ना, तो मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था। हर वक्त मामा के साथ एक एक चीज़ डिस्कस करना और उनसे स्टूपिड क्वेश्चंस करना, और उतना वो सिखाती थी और सब कुछ। कहते हैं कि टाइम इज कितनी उम्र तक सोती रही हो उनके साथ? अभी तक बचपन से आज तक बाबा यही हम सोचते थे, बाबा यही कहते थे कि जब से नूर हुई है ना तब से मतलब रूम्स ही चेंज हो गए बिकॉज मैं मामा के साथ सोती थी और मैं नहीं सोती थी उनके बगैर, रोती थी ये वो। मुझे इतनी आदत थी कि मैं उनका ब्लैंकेट पकड़ के सोती थी या फिर कुछ भी, एक भी चीज़ शर्ट मिल हाँ, जाए कुछ भी, दुपट्टा मिल जाए उनका जिसमें उसकी खुशबू हो अम्मी की. हाँ तो तो वो पकड़ के अभी भी अम्मी अभी भी मैं का उन्हीं का ब्लैंकेट लेती हूँ जो अभी इन मतलब इस टाइम पे वो यूज़ करती थी, तो अभी भी मैं वही लेती हूँ, उन्हीं का पिलो लेती हूँ। कहते हैं कि टाइम इज अ हीलर, इज अ ग्रेट हीलर, बट आई थिंक टाइम ओनली टीचेस यू हाउ टू लिव विद द पेन, इट डजंट रियली सॉर्ट ऑफ मतलब उसको हटा नहीं देता है, टाइम जस्ट टीचेस यू हाउ टू लिव विद इट, आई यू आर बिलीव। वेरी ब्रेव ऑल ऑफ यू. क्योंकि अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं ना, एट आप लोग मंथ्स बहुत ब्रेव हो. मैं जब सारा से मिली थी और जिस तरह सारा से बातें हो रही थी, मुझे लगा कि ये मतलब बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप था तुम लोगों का अपनी मामा के साथ, कि इतने ब्रेव हो तुम लोग. ये स्ट्रेंथ भी आपको अब अपने पेरेंट्स से ही मिलती है. व्हेन दे गो अवे, आई थिंक कुछ दे जाते हैं ना, वो इतनी स्ट्रेंथ दे जाते हैं कि आप उनकी जुदाई हैंडल कर पाते हो. आई मीन, आई एडमायर यू कि यू हैव मामा गॉन बैक टू वर्क ऑल ऑफ यू. और आप लोग यू बिल्कुल नो एंड एंड यू नो यू आर लाफिंग एंड यू आर आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड आप जिंदगी को भी जी रहे हैं एंड ऑफ कोर्स उनको भी याद कर रहे हो. शी टॉट अस अ लॉट, लाइक शी टॉट अस एवरीथिंग, बट जस्ट टू यू नो
कि उनके बगैर कैसे रहना है। तो ये कितना बहुत, अरसा वो बीमार रही थी? 4 साल बीमार रहे, फोर दो साल ईयर्स वो बेड रेस्ट पे थी, उससे पहले भी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती हाँ, थी। एंड इट इट वाज कैंसर। वाज कैंसर, पहले कहीं और जगह डायग्नोज हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 जगह हो गया। तो शी वॉज इन एंड पेन, आयशा हर टुक केयर डे ऑफ हर, यू वट योर ओल्डर सिस्टर टुक केयर ऑफ हर। यस, हम लोग काम करते थे, लेकिन मेरा फिर भी इतना नहीं होता था। मैं हाँ एट अ टाइम जब एक ही प्रोजेक्ट करती थी तो मेरे पास होता था टाइम। उन दिनों में ही बस ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा इधर इस्लामाबाद लाहौर इनमें थोड़ा मेरा ज़्यादा काम हो रहा था। तो आप भी होती थी घर पे, तो आप भी मामा का ख्याल रखती थी, सारा भी मोस्टली बाहर रहती थी, लेकिन हम कोशिश करते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रहें। उनकी कौन सी बात है जो तुमने मुट्ठी में से पकड़ के रखी हुई है ना, बांध के? उनकी एक एक बात मैंने रखी हुई है, बिकॉज़ वो इतना सब, इतना उन्होंने सिखाया है हमें, इतना ज़्यादा। और मैं सोचती हूँ कि अगर वो और होती तो हम और सीखते, लेकिन उन्होंने अभी भी इतना सिखा दिया, इतना सब कुछ। और मामा के जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा शौक लगा सबको, बट हमें आइडिया था वैसे, कि क्योंकि इतने दिन हो गए थे, इतने साल हो गए थे बेड रेस्ट पे आ गई थी ये वो, तो मेंटली हम ये कहेंगे कि हम लोग थे प्रिपेयर्ड। तो फिर इट हैपेंड, बट स्टिल शॉक तो था ही वो हमारे लिए। तो मैं तो बिल्कुल ही, मतलब मैंने काम भी फ़ौरन स्टार्ट नहीं किया था, सारा ने फिर भी कर दिया था, उसने कर दिया था आई थिंक 1.5 महीने में कर दिया था, लेकिन इट टुक मी 4 मंथ्स काम पे जाने के लिए। और मैंने रोके हुए थे प्रोजेक्ट्स, मैंने कहा था आप रोक के रखें, आप अपना काम कर लें, लेकिन मैं नहीं कर सकती। तो बट देर इज ओनली वन थिंग विच कीप्स मी गोइंग, इज दैट सदका जारिया, आई बिलीव इन इट। सदका, औलाद एक सदका जारिया होती है। अगर मैं कोई अच्छी चीज़, एक कोई अच्छी चीज़ करूँगी तो सवाब मेरे वालदैन को मिलना है। अच्छा, तो ये चीज़ें जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और मैं बस यही करती हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक हर प्राउड, आई वॉन्ट हर टू बी द हैप्पीएस्ट एंजल ऑफ देयर, एंड यस दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग। अब्बू के साथ कैसा है रिलेशनशिप आप सबका? बाबा के साथ भी बहुत फ्रेंडली और हैं हम लोग। उनको किस तरह हैंडल किया आपने? बिकॉज उन्होंने ही लॉस्ट हिज डियरेस्ट पार्टनर, यू नो, इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, अब बाबा ने बल्कि हमें संभाला, हमें अच्छा चाहिए था कि हम उन्हें संभालें, लेकिन बाबा ने संभाला, क्योंकि अब पता नहीं क्यों, बस हम सभी अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, लेकिन बाबा वॉज द वन जो, नाउ यू स्पेंड मोर टाइम विद हिम, यस है ना? हाँ, पहले मैं शुरू से मामा से ज़्यादा क्लोज रही, सारा जैसे कहते हैं ना लाडला, हाँ सारा बाबा की लाडली होती थी, मैं मामा की होती थी, तो वैसे तो सारा शुरू से बाबा बाबा से ज़्यादा क्लोज रही है, और मैं मामा से। तो अब ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, साथ बैठते हैं, काम थोड़ा मतलब हम लोग मैनेज करते हैं कि साथ बैठें, डिनर करें साथ, और वरना सब थोड़ा मतलब इधर उधर होते हैं, भाई भी होता है, आपी भी होती है, तो हम कोशिश करते हैं सब साथ रहें ज़्यादा। अंडरस्टैंड करती हो डेथ को? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। मैं तो कहती हूँ ये लाइफ, दिस लाइफ इज़ जस्ट अ टेस्ट, हमारी जो आफ्टर लाइफ है उसी के लिए बस हमने प्रिपेयर करना है अपने आप को। एंड आई थिंक इफ़ वी स्पेंड दिस लाइफ इन अ वे के टू मेक आवर आफ्टर लाइफ बेटर, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब अच्छी ही गुजरेगी आई थिंक, तो ये क्योंकि लाइफ क्या सिर्फ है? ये लाइफ सिर्फ टेस्ट है, और टेस्ट इजी नहीं होते हैं, लाइफ मतलब मुश्किल ही होते हैं। तो आई थिंक हमें रेडी रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी हो सकता है, इट्स अनप्रिडिक्टेबल। तो मैं बस हमेशा रेडी रहती हूँ कि कुछ भी हो सकता है, नॉट दैट कि मैं नेगेटिव सोचती हूँ, अच्छा, पॉजिटिव रहती हूँ और मतलब अच्छी ही उम्मीद रखती हूँ, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है, तो बस हमें डरना चाहिए और हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। सही है अम्मी अम्मी के साथ किस बात पे बहुत जोर जोर से हंसे हो आप लोग, खासतौर पे माँ, आप, किस बात मैं पे? हम लोग जोक्स जो होते थे हमारे वो शेयर करते थे कि आज ये हो गया, किसी
की बात शेयर की तो हंस रहे मामा के साथ तुम बहुत हंसते थे, मतलब सब एक एक बात बता रहे हैं और मामा भी जोक्स बताती थी, तो सब फिर हम लोग हंस रहे होते थे। और किसी एक बंदे को अगर जैसे हम लेके आ गए तो फिर उसके साथ करना और फिर मजाक करना, तो हंसते तो हम लोग बहुत सो इफ यू थे। गेट अ चांस टू मीट हर, क्या क्या कहना चाहोगे अम्मी को? सब कुछ कहना चाहूंगी और मैं कहूंगी कि सब कुछ आप सिखा और सिखा के चली जाए, मतलब बहुत, मतलब और सिखा दें। शुरू से बचपन से मुझे मामा की तरह बनना था, और मैं, पता है आपको, मैं उन्हें कॉपी करती थी कि वो चलेंगी जैसे जैसे खाना खाएंगी, इतना ज़्यादा मुझे क्रेज था, मैं इतनी ज़्यादा उन्हें कॉपी करती थी। और इसीलिए मैं कहती थी आप शॉपिंग करें अपनी तरह करें और अपने जैसे कपड़े होते हैं वैसे मुझे करें, तो मैं कहती थी मामा मुझे अपना दिमाग दे दें, इतना आप इतना अलग सोचती हैं, जहाँ तक मैं पहुँचती भी नहीं आप वो सोच के मुझे बता देती हैं। तो कहती थी हमें जब ना दिमाग दे दा दिमाग दे दे, तो मैं कहती थी कि नहीं आप मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, मुझसे भी ज़्यादा हो। तो फिर ये लोग हंसते थे सारे लोग, तो मैं कहती थी नहीं ना मैं सीरियस हूँ, मुझे थोड़ा मतलब अपनी तरह वो कर दें, तो वहाँ कहती थी हाँ बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं कहती थी अच्छा, मैं खुश होती थी। नूर, थैंक यू सो मच मेरी थैंक यू जान। सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे तुम बहुत आगे जाओ और बहुत समझो और बहुत प्यार से इस काम को आगे लेके जाओ और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें। और तुम अपनी, आई एम श्योर आपकी मामा इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल।